हाथरस में लॉकडाउन के चलते कई महीनों से तनख्वाह न मिलने और नौकरी से निकाले जाने से नाराज तीन विद्युत संविदा कर्मी हाई टेंशन विद्युत लाइन पर चढ़े। हाई टेंशन लाइन पर चढ़े तीनों संविदा कर्मी बिजली विभाग से बकाया वेतन को दिए जाने और वापस नौकरी पर रखे जाने की कर रहे हैं मांग। थाना पुलिस संविदा कर्मचारियों को समझाने का कर रही है कोशिश। थाना कोतवाली सिकंदरा राउत क्षेत्र के पंत चौराहे का है पूरा मामला। पेश है हाथरस से हमारे संवाददाता नीरज चक्रपाणी की खास रिपोर्ट। चढ़े थे आज तीन विद्युत संविदा कर्मी, ये पोल पर चढ़ गए थे और एसडीओ से बात की गई। एसडीओ द्वारा आश्वासन दिया गया कि इनका दो दिन में भुगतान कर दिया जाएगा और इसके बाद तीनों जो संविदा कर्मी चढ़े थे वो नीचे उतर आए हैं। इनके प्रति पूरी सहानुभूति रखी जा रही है और विद्युत विभाग को निर्देशित किया जा रहा है कि इसमें जांच लें, अगर उनके साथ कुछ गलत आचरण किया गया है तो उसमें सुधार कर लें और इनका भुगतान जो भी है उसको समयबद्ध तरीके से कर दें।